हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मेरे चैनल पर आज इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग और पाइथन, इन तीन चीजों का यूज करके हम एक मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, सो बेसिकली ये पूरी की पूरी सीरीज मशीन लर्निंग से रिलेटेड होगी, जिसमें हम मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के जो भी फॉर्मूले हैं, जो कुछ भी हम देखेंगे, मैथमेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो किस तरीके से पाइथन में अलग अलग लाइब्रेरीज में इंप्लीमेंटेड है और उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं एक मॉडल को प्रिपेयर करने में, वो हम समझेंगे। So, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से हम शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट इज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के केस में सबसे पहले हमें समझना होगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक सिंपल लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। लीनियर रिग्रेशन इज ऑल अबाउट अ लीनियर प्रोग्रेशन, राइट। सो हमारा जो लाइन का इक्वेशन होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, पढ़ी ही होगी, सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होता है। ठीक है, जहां पे एम क्या होता है, एम होता है स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप होता है एम, राइट। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो जो ये अगर ये हमारी लाइन है, तो ये लाइन जो है वो जितने का एंगल बना रही होगी, दिस थीटा इज नोन एज एम। ठीक है, और ये जो लाइन होती है, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें एम एक्स प्लस सी, तो ये जो सी होता है, दिस इज नथिंग बट ये जो हाइट होती है ना वाई एक्सिस पे, जहां पे ये लाइन काट रही होती है, दैट इज नोन एज सी। ठीक है, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज सी, जहां पर वो काट रही होती है। सो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी वाई पर क्या वैल्यू आएगी हमारी, दैट विल डिपेंड अपॉन एक्स एंड सी। ठीक है, और स्लोप, स्लोप यानी चेंज, किस तरीके से कोई वैल्यू चेंज होती है उसको बताता है एम, राइट। जैसे अगर हमने एक इक्वेशन लिया, हमारा इक्वेशन हो सकता है वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, हमने यहां पर एक्स और वाई के वो बनाते हैं, एक्स वाई की वैल्यूज लेते हैं, कुछ वैल्यूज रख करके, एक्स की वैल्यू वन रखी तो इट विल बिकम वाई इज इक्वल टू सेवन, एक्स की वैल्यू टू रखी तो वाई विल बिकम टू टू ज फोर प्लस फाइव नाइन, थ्री रखी तो इट विल बिकम इलेवन, माइनस वन रखी तो इट विल बिकम माइनस टू प्लस फाइव थ्री, एंड अगर हमने माइनस टू रखी देन इट विल बिकम वन, राइट। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इसकी एक पूरी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, देन यहां पर हम आते हैं वन, यहां पे कहीं पे आएगा सेवन, सो दिस इज वन सेवन, टू नाइन तो टू यहां पे रहा, नाइन यहां कहीं पे आएगा, सो टू नाइन, फिर आता है थ्री, थ्री के बाद हम जाते हैं इलेवन, तो इलेवन विल बी समवेयर हियर। ठीक है, अब हम आते हैं माइनस वन, माइनस वन यानी कि माइनस वन यहां पे है, तो माइनस वन के लिए वैल्यू आएगी थ्री पे, तो वन टू थ्री, तो समवेयर यहां पे आपकी थ्री वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद आया माइनस टू, माइनस टू के केस में जो वैल्यू आ रही है दैट इज वन, राइट। ये रहा माइनस टू और यहां पे आ गया वन। तो अगर आप इसको एक सीधी लाइन में मिलाते हैं, तो ये जो कट हो रहा है ये सी है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये किस तरह की लाइन है, किस तरीके से चेंज हो रही है, वो कहां पे डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है इस वैल्यू पे, राइट। दिस इज एम, दिस इज द स्लोप, ये बता रहा है कि इस रेट पे हमारी वैल्यू, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे हमारी रेट जो है वो ट्वाइस इंटू एक्स, यानी जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो ट्वाइस इंटू वैल्यू ऑफ एक्स प्लस फाइव इस रेट से बढ़ती चली जाती है, यानी ट्वाइस एक्स की वैल्यू, ट्वाइस एक्स से वैल्यू हमारी बढ़ती है जब भी हम चेंज करते हैं एक्स की वैल्यू में, देयर इज अ स्लोप एंड दैट स्लोप दैट रेट ऑफ चेंज इज टू। ठीक है, और इसका यूज हम किस तरीके से प्रेडिक्शन मॉडल बनाने में कर सकते हैं, राइट, उसी के बारे में हम लीनियर रिग्रेशन में हम डिस्कशन स्टडी करते हैं, राइट। सपोज करो कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें एरिया दिया हुआ है एंड जिसमें कि टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, एक फ्लैट का या फिर एक जमीन का, एक जमीन के टुकड़े का। अगर एरिया हमारा 200 है, 200 आपका गज है, अगर इसका 200 गज का एरिया है, तो उसका कॉस्ट सपोज करो कि 1 करोड़ अगर होता है, ठीक है, 5, 6, 7, ठीक है, और उसके अलावा हमारा 100 है, 100 के केस में हमारा जो है करीब ये 550 लाख के आसपास हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से 200 पर ये 100 पर ऐसा, राइट, एंड देन उसके बाद जो है हमने 50 गज का लिया तो ये करीब चला जाता है 2,50,000, 25 लाख तक चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू बदल रही है, जैसे जैसे हम एरिया को बदलते हैं वैसे वैसे कॉस्ट बदलता जाता है, यानी कॉस्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज ट्वाइस इंटू एरिया,
ठीक है, प्लस सम अदर फैक्टर्स, कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ और चीजें जुड़ सकती हैं। जैसे यहां पर हो सकता है कि 26 लाख हो जाए, ठीक है, तो 25 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख किसी और फैक्टर की वजह से जुड़ गया, मे बी वो प्राइम एरिया में है, जो भी है, राइट। तो अगर कोई हमसे पूछे कि पूरे के पूरे एरिया में या एक पर्टिकुलर स्टेट है वहां पे ये पूरी लिस्ट हमें दी हुई है, एरिया दिया हुआ है और एरिया के बेस पे कॉस्ट दिया हुआ है एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड का, तो हमें ये बताओ कि अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया दे दें और प्रेडिक्ट करना चाहें कि कितना प्राइस होगा उस लैंड का जिसका एरिया इतना हो इस पर्टिकुलर स्टेट में, इस राज्य में, तो कैसे निकालोगे, राइट, कैसे वो चीज आप पता करोगे, राइट। अब होगा ये कि हमें तो ये पता है कि हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ सीधा सीधा होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमेशा ही एम से ही मल्टीप्लाई होता है, हमेशा ही कॉन्स्टेंट सी उसमें जुड़ता है। बट द थिंग इज कि जब आप इसको ऐड करते हो, जब आप इसको प्लॉट करते हो, आई यूज्ड ऐड बट आई शुड यूज प्लॉट, अगर हम इसको प्लॉट करने जाते हैं, जैसे ये है हमारा कॉस्ट, वाई एक्सिस को हम कॉस्ट बना देते हैं, एक्स एक्सिस को हम बना देते हैं एरिया, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को एरिया बना दिया, यहां पे कुछ एरिया है तो कुछ वैल्यू यहां पे आएगी, ठीक है, उसके बाद किसी और की वैल्यू कहीं और पे आ रही है, कहीं और की वैल्यू जो है वो किसी और जगह पे आ रही है, किसी और जगह पे कुछ और वैल्यू आई, ठीक है, इस तरह से करके हमारे पास कई वैल्यूज मिली, तो हमारी जो बेसिक चीज है वो जो एक स्ट्रेट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, एक लाइन ऐसी मिल रही है, एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी मिल रही है, एक लाइन कुछ ऐसी मिल रही है, राइट। तो ये अलग अलग लाइन हमारी मिल रही है, किसी एक लाइन को हम चूज नहीं कर पा रहे हैं कि किसके बेसिस पे हम, अगर हमसे कोई डिसाइड करने को कहे तो किसके बेसिस पे हम एक फॉर्मूला बना करके, एक फॉर्मूला बेसिकली ये लीनियर फॉर्मूला ही बनता है इस केस में, एक लीनियर फॉर्मूला बना करके किस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी। तो हमें बेसिकली, क्योंकि ये लीनियर प्रोग्रेशन है, हमने समझ लिया कि ये लीनियर प्रोग्रेशन ही है, अगर कहीं पर कोई एक वैल्यू दी हुई है, एरिया दिया हुआ है और उस एरिया के बेसिस पे कॉस्ट की बात अगर हम कर रहे हैं, तो एरिया और कॉस्ट की बात जहां पर आ रही है तो वहां पर एक लीनियर इक्वेशन, एक ऐसी लीनियर आइडियल लीनियर लाइन हमें चाहिए, क्योंकि ये आइडियल लीनियर लाइन इसमें से कोई नहीं बनेगी, बिकॉज हम ऐसा नहीं कह सकते कि 200 गज का जो प्लॉट था वो अगर कहीं पे 1 करोड़ का था तो 100, हमारा जो है 100 गज का प्लॉट हमेशा 1 करोड़ का 50 लाख का ही होगा, हो सकता है कि 100 गज का प्लॉट 100 गज का प्लॉट 50 लाख के बजाय 52 लाख का हो, तिरपन लाख का हो, ठीक है, तो कुछ ये डेविएशन दिखाएगा, ठीक है, वैल्यूज के साथ कुछ डेविएशन दिखाएगा, तो कुछ ये इस तरीके की जो हमारे पास लाइन बनती है ये हमने खींच दी, कुछ यहाँ पे हमने एक ये लाइन ले ली, एक ये वैल्यू ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक ऐसे ले ली, तो यहां पर क्या है कि कोई भी लाइन आप सीधी बना नहीं पाओगे, अगर आप ध्यान से देखो, राइट, यहां पर कई लाइनें हैं, इनको आप ठीक से बना नहीं पाओगे, कई लाइनें बन सकती हैं, ये दो को मिला के कुछ और बनेगी, ये दो को मिला के कुछ और बन जाएगी, बट कोई एक ऐसी लाइन नहीं बन सकती जो सभी से होकर के गुजरे, और अगर कोई सभी से होकर के गुजरने वाली लाइन मिल जाती है, देन इन दैट केस आपको वो लाइन मिल जाएगी जो कि सही सही प्रेडिक्ट करेगी, वो लाइन जो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगी, ठीक है, जिसमें एम की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, राइट, यही एम की वैल्यू सी की वैल्यू हमें पता लगनी चाहिए, एक्स की वैल्यू हमें कोई देगा तो हम वाई की वैल्यू निकाल देंगे उसके बेसिस पे, तो बेसिकली हमें एम और सी की वैल्यू निकालनी है। तो होता क्या है, तरीका क्या है इसको करने का, कि इसमें एक जो है ऐसी लाइन हम लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, बार बार लाइंस को इस तरीके से लेते हैं, कभी ऐसी लाइन ले ली, कभी ऐसी लाइन ले ली, कभी ये ले लिया, कभी ऐसे ले लिया, कभी ऐसे ले लिया, तो हमें दिखता है कि ये लाइनें ठीक नहीं बन रही हैं, यहां से ऐसे ले लिया, ये लाइनें एक दूसरे से बहुत ज्यादा डेविएट कर रही हैं, हमें एक ऐसी लाइन लेनी है जो इन सभी पॉइंट से कम डेविएट करे, ठीक है, इन सभी पॉइंट से, तो उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका होता है मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर मेथड, का जो तरीका है वो मीन स्क्वायर मेथड है, वो उसमें क्या किया जाता है, एक बड़ा सा ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करते क्या है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, 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 अब हम करते क्या है कि एक लाइन पहले हम यहां देखते हैं जो कि सभी पॉइंट के नजदीक से नहीं गुजर रही है, किसी पॉइंट से ज्यादा दूर है, किसी पॉइंट से कम दूर है, दूसरी लाइन हम ऐसे देखते हैं जो यहां से कम गुजर रही है, मतलब सभी पॉइंट से नजदीक से गुजर रही है या सभी पॉइंट से थोड़ा दूर से गुजर रही है, कुछ पॉइंट से दूर से गुजर रही है, कुछ के नजदीक से गुजर रही है, तो ऐसे करते करते एक लाइन हम ऐसी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा मुझे कि यहां पर पॉइंट्स ठीक से नहीं दिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मैं बना देता हूं, एक पॉइंट ये बना दिया, 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 एक पॉइंट ऐसे बना दिया,
अब यहां पे हमने क्या किया कि एक लाइन ले ली, सीधी लाइन हमने खींच दी, ठीक है। अब जब ये सीधी लाइन हमने खींची तो ये लाइन हम ऐसे नहीं कि हम अपने आप से एज्यूम करके खींच रहे हैं, दिस इज लीनियर रिग्रेशन। एक लाइन इस तरीके की फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके की, जो सभी पॉइंट से कम दूरी पे हो, जो सभी पॉइंट्स के लगभग बीच में पड़ती हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो दूरी है, ये जो पॉइंट है हमारा असली पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर एक सीधी लाइन खींचते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई कुछ भी मान लेते हैं, और यहां से भी खींचते हैं इसको भी डेल्टा वाई वन वाई टू जो भी मानना है, यहां पर भी खींचते हैं ये भी डेल्टा वाई, यहां पर भी खींचे ये भी डेल्टा वाई है, ये भी खींचे ये भी डेल्टा वाई, डेल्टा वाई वन वाई टू जो भी लेना है आपको। अब जो ये लाइन खींची है ना, इससे एक स्क्वायर बनाते हैं हम, ठीक है, हर जगह पे एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, और हर स्क्वायर का सम निकालते हैं, ठीक है, सिग्मा, सिग्मा मीन्स सम, यहां पे डेल्टा आई, डेल्टा वाई आई का स्क्वायर निकालते हैं, आई इज इक्वल टू वन टू एन, यानी जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं उनसे जो भी आप स्क्वायर बना पा रहे हो उन सबका स्क्वायर का सम निकालते हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं, स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहां पे इस लाइन के नीचे हैं, कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर हैं, तो जो एक लाइन के नीचे होगा और एक जो लाइन के ऊपर होगा, तो कहीं ना कहीं नीचे वाली लाइन का जो डिफरेंस है या ऊपर वाले पॉइंट से लाइन का डिफरेंस जो होगा वो हमें एक जगह पे नेगेटिव तो मिलेगा, किसी एक को तो नेगेटिव लेना होगा, राइट। जैसे नीचे वाले को हम इसकी डिस्टेंस को नेगेटिव में ले सकते हैं कि हाँ ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, अगर ऊपर से कुछ आ रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के काफी ज्यादा एक वैल्यू को बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं देंगे, ज्यादा मेकिंग सेंस वैल्यूज नहीं बन पाएंगी, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्क्वायर करना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो डेल्टा वाई आई स्क्वायर जो सम है सभी का हम निकालते हैं, ठीक है। मान लो पहले का आया स्क्वायर, स्क्वायर वन आया, कुछ भी आ गया, स्क्वायर वन दे दिया नाम हमने उसको, उसी तरीके से दूसरी लाइन खींचते हैं, दूसरी लाइन के लिए भी हमने निकाला स्क्वायर टू, तीसरी लाइन के लिए हम स्क्वायर थ्री निकालते हैं। अब ये जितने भी स्क्वायर वन, स्क्वायर स्क्वायर टू, स्क्वायर फोर बनते जा रहे हैं, इनमें ये चेक किया जाता है कि कौन सा स्क्वायर की वैल्यू है, सम ऑफ द स्क्वायर, कौन से सम ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू ऐसी है जो मिनिमम है, ठीक है। हमने सभी स्क्वायर्स के सम किए, उनके एरिया के सम किए, और हमने ये देखा कि कौन से स्क्वायर के सम का जो वो आ रहा है, टोटल वैल्यू आ रही है, कि कौन सा जो स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर है वो मिनिमम आ रहा है, ठीक है। जो भी मिनिमम आ रहा होगा उसी लाइन को, जिस लाइन के लिए हमें वैल्यू मिल रही होगी, जिस लाइन के लिए हमें ये वैल्यू मिल रही होगी, जिस लाइन के लिए मिनिमम मिल रहा होगा सम ऑफ स्क्वायर्स, उसी लाइन को हम अपनी आइडियल लाइन मानेंगे, ठीक है। सो दैट हम नियरली करेक्ट प्रेडिक्शन कर सकें, राइट। सो उसको हम आइडियल लाइन मानेंगे, और जो वो आइडियल लाइन होगी, ठीक है, उस आइडियल लाइन का इक्वेशन मान लीजिए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें आपको एम मिल जाएगा जो कैलकुलेट कर लिया जाएगा, सी मिल जाएगा जो कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और ये जो एम और सी की वैल्यूज है ये आपके पास जब फिक्स हो गई तो आप सिर्फ और सिर्फ एरिया रखोगे, 500 गज 400 गज रखते जाओगे, और आपको एक प्रेडिक्टेड वैल्यू कि लगभग कितने का पड़ेगा, लगभग कितने तक का पड़ जाता है, वो आपको प्रेडिक्टेड वैल्यू नियरली जो है परफेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके लीनियर रिग्रेशन करके हम वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि ये करेगा कौन, क्या आप प्रोग्राम बनाओगे, अगर आप अपने मशीन लर्निंग की बात करो तो क्या आपको ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, क्या आपको ये प्रोग्राम लिखना पड़ेगा क्या, कि लाइन का इक्वेशन हम बार बार बनाएं, एक रिग्रेशन करते जाएं, एक फॉर लूप में चलते जाएं, और जब तक लीस्ट स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर जो है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, जब तक लीस्ट ना मिल जाए तब तक हम रुकेंगे नहीं, क्या ये आपको खुद करना पड़ेगा? नो, द आंसर इज नो। रीजन ये है कि ये सारे काम आपके बिहाफ पे पाइथन कि कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसमें से एक है पांडा और दूसरी है आपकी नमपाई, ठीक है। तो ये जो पांडा और नमपाई लाइब्रेरीज हैं, इन लाइब्रेरीज की हेल्प से मैथमेटिक्स के बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो फिक्स किए जाते हैं, उसमें लिखे हुए हैं, लॉजिक सारे लिखे हुए हैं पाइथन की इस लाइब्रेरी में, एपीआई अवेलेबल है, फंक्शन अवेलेबल है, आपको बस उनका यूज करना है। कैसे करना है इसका यूज, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसी प्रॉब्लम को, एरिया और प्राइस के प्रॉब्लम को हम अगले वीडियो में देखेंगे, किस तरीके से पाइथन के कोड का यूज करके आप एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो जिसका एम और सी, यानी उसका जो इंटरसेप्ट है और जो कोएफिशिएंट है, जो स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है, ये दोनों आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा सब कुछ लिखा हुआ है, वो सारी चीजें आपको
पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस के फॉर्म में मिल जाएंगी, जो अभी हमने यहाँ पे किया, जितनी मेहनत हमने यहाँ पे की है वो सब पाइथन की लाइब्रेरी में पहले ही की हुई है, और आपको एम और सी की वैल्यू वो अपने आप कैलकुलेट करके देगा, आपको चाहिए भी नहीं, वो अपने पास रखे रहता है। उसके बाद जब आप उससे कहोगे ना प्रेडिक्ट दिस वैल्यू, तो वो जो कोफिशियंट और आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू है ना, उनका यूज करके आपका जो जो भी वैल्यू आपने एक्स की यानी कि एरिया की वैल्यू दी होगी, उसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी, जो कॉस्ट होगा उस लैंड लैंड का, वो आपको निकाल करके दे देगा, राइट। और वो नियरली परफेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे क्या है कि आप सीधी लाइन नहीं बना पा रहे थे, बट एक सीधी लाइन तो ऐसी लेनी पड़ेगी ना जो सभी वैल्यूज के आसपास से होकर गुजरती हो, और नियरली परफेक्ट वैल्यू या नियरली इक्वल टू कि हाँ इसके आसपास ही मिलेगा, और जितना आसपास मिलेगा वो आसपास ज्यादा से ज्यादा सही होना चाहिए, ये पर्पज है। जितना भी आसपास आप पहुंचो, उस आसपास पहुंच के भी आप ज्यादा से ज्यादा सही वैल्यू गेन कर पाओ, यही इसका पर्पज है। तो इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन की मदद से हम बहुत ही सिंपल एक बेसिक प्रेडिक्शन मॉडल मशीन लर्निंग में प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन की लाइब्रेरीज का यूज करके हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारा मॉडल प्रेडिक्ट भी करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।